नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा हार्दिक अभिनंदन करती हूं आप सभी का। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि साल 2024 अब शुरू हो रहा है। अब ये साल कैसा जाएगा आपके लिए, इस साल में क्या करें क्या ना करें, क्या करने से आपको फायदा होगा और क्या कुछ करने से हो सकता है भारी नुकसान, सभी की जानकारी दूंगी आज के इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो आपको समय से मिल सके। तो चलिए बात करते हैं आज के विषय के बारे में, बात करते हैं कैसा रहेगा साल 2024 मकर लगन वाले जातकों के लिए। आज मकर लगन की बात हो रही है। जी हाँ, जिनकी हॉरोस्कोप 10 नंबर से शुरू होती है उनके लिए ये वीडियो है। तो मकर लगन की अगर हम बात करें तो साल के शुरू के यानी कि साल के पहले दिन 1 जनवरी 2024 को आपकी कुंडली के ग्रह गोचर की स्थिति कुछ इस प्रकार रहने वाली है। मकर लगन वाले जातकों के दूसरे भाव में अभी शनिदेव गोचर कर रहे हैं अपने ही राशि में, तीसरे भाव में राहु का गोचर चल रहा है, देवगुरु बृहस्पति चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं तथा चंद्रमा साल की शुरुआत में आपके अष्टम भाव में होंगे। केतु का गोचर चल रहा है कुंडली के नवम भाव में, बुध और शुक्र कुंडली के एकादश भाव में तथा द्वादश भाव में यानी कि 12th हाउस में सूर्य और मंगल का गोचर रहेगा साल की शुरुआत में। अब ये तो है पहले दिन की स्थिति, लेकिन हम बात कर रहे हैं पूरे साल 2024 के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं, शुरुआत करते हैं आपकी हेल्थ से लेकर। तो आपके लगन के स्वामी इस साल यानी कि पूरे ही साल रहने वाले हैं आपकी कुंडली के दूसरे भाव में, जहां पर ये स्वराशि के हैं, मूल त्रिकोण राशि के अंदर विराजमान है और ये भाव आपके गले का भाव बनता है और यहाँ पर हो सकता है शनिदेव आपको थोड़ी सी गले से जुड़ी हुई परेशानियां पैदा कर सकते हैं। लेकिन हाँ, यहीं पर आपको और ज्यादा सत्यवादी बनाएंगे क्योंकि शनिदेव का कार्य है सच्चाई की तरफ चलना। तो यहाँ पर शनिदेव बैठकर कुछ ऐसी बातें भी बुलवा सकते हैं आपके परिवार में, आपके कुटुंब में, जिनके कारण सामने वाले को आप तो सच कहेंगे लेकिन सामने वाले को वो बातें शायद चुभ सकती हैं। तो सच्चाई की तरफ आप इस समय में बढ़ते हुए दिखाई देंगे। वही पारिवारिक रिश्तों को लेकर ये साल आपके लिए अच्छा रहने वाला है, लेकिन कुछ मतभेद आपकी पैतृक संपत्ति से जुड़े हुए इस समय में उत्पन्न हो सकते हैं। हेल्थ की दृष्टि से ये टाइम पीरियड थोड़े से जोड़ों के दर्द की प्रॉब्लम आपको बन सकती है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो इस साल में आप लोगों को वेट लॉस की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। अब आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति जब तक चतुर्थ भाव के अंदर गोचर करेंगे उस समय तक यानी कि जनवरी फरवरी मार्च और अप्रैल तक आपको हेल्थ से जुड़े हुई चीजों में सबसे ज्यादा ध्यान रखना है अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल का। जी हाँ, कोलेस्ट्रॉल लेवल का बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा क्योंकि हो सकता है इस समय में देवगुरु बृहस्पति चतुर्थ भाव में बैठ के आपके, क्योंकि चर्बी का कारण माने जाते हैं देवगुरु बृहस्पति और चतुर्थ भाव में जब विराजित होते हैं तो कहीं ना कहीं कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी बढ़ा देते हैं। उसके बाद में बात करते हैं कि बाद में क्या होगा। देवगुरु बृहस्पति फिर आ जाएंगे आपकी कुंडली के पंचम भाव में, तो प्रेम संबंधों को और अच्छा बनाएंगे। साथ ही साथ हालांकि आपकी कुंडली में आकारक है लेकिन जहां पर देवगुरु बृहस्पति बैठते हैं वहां के फलों को बढ़ा देते हैं। तो अप्रैल के बाद यानी कि मई 2024 को होगा देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन। जो लोग मैरिज के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं वो बढ़ सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत बच्चों के लिए ये साल अच्छा रहेगा। मई के बाद में आप जितनी मेहनत करेंगे आपको रिजल्ट भी उतने ही अच्छे मिलते हुए दिखाई देंगे। जो बच्चे किसी प्रकार की अगर हम कहीं कंसल्टेशन में जाना चाहते हैं या फिर आप लोग मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके लिए ये साल सक्सेसफुल हो सकता है। अब बात कर लेते हैं उन लोग व्यापारी वर्गों के लिए जो शेयर मार्केट में अपना पैसा लगा रहे हैं। तो शेयर मार्केट से जुड़ी हुई समस्याएं अगर पिछले 2023 में आपको कुछ बनी तो इस साल में वो शेयर मार्केट की समस्याएं आप लोगों की सॉल्व होती हुई दिखाई देंगे। वहीं अगर हम बात करें मकर लगन वाले जातकों के लिए तो मकर लगन वाले जातकों को संतान का सुख भी आने वाले इस साल के अंदर मिल सकता है। जो लोग बड़े लंबे समय से कोशिश कर रहे थे और उनकी संतान की इच्छा की प्राप्ति नहीं हो रही थी, इच्छा पूर्ति नहीं हो पा रही थी, तो आने वाले साल में वो अपनी इस इच्छा को पूरा करते हुए दिखाई देंगे। वैवाहिक जीवन के लिए भी ये साल आपके लिए शुभ रहेगा। अब बात कर लेते हैं कि इस साल में आपने क्या करना है और क्या नहीं करना है। क्योंकि केतु का गोचर चल रहा है आपके नवम भाव में तो जहां आपको लगेगा कि काम आपका कंप्लीट हो ही रहा है,
वहीं पर आकर कुछ न कुछ ऐसी रुकावट आ सकती है जिसके कारण आपका काम लास्ट मोमेंट पर जाकर अटकता हुआ दिखाई देगा। इससे बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए, इससे बचने के लिए आपको केतु के उपाय करने चाहिए, जिसमें आप स्मोक ग्रे कलर के कपड़े के अंदर कुछ चीजें बांधकर आप लोग दान पुण्य कर सकते हैं या उन चीजों को अपने सर से 7 बार वार कर जल प्रवाहित कर सकते हैं। जल्दी से पेन और पेपर उठाइए और नोट कीजिए वो कौन कौन सी चीजें हैं। स्मोक ग्रे कलर के कपड़े के अंदर रखना है आपने 7 तरह का अनाज। जी हाँ, थोड़ा थोड़ा आप अनाज रख सकते हैं, साथ ही में आपको रखनी चाहिए इसमें एक धारदार कोई चाकू या छुरी। उसके अलावा आप इसके अंदर रख सकते हैं कोई भी ग्रे कलर का कोई स्टोन आप रखना चाहते हैं तो वो रख सकते हैं। अन्यथा आप इसके अंदर अगर रखना चाहते हैं तो कैट्स आई का एक स्टोन लेकर आप इसे प्रवाहित कर सकते हैं। इन चीजों की पोटली बनाइए, सर पर से 7 बार वार कर इसे जल प्रवाहित कर दिए। अगर आपके काम अचानक से रुक रहे हैं तो आपको ये निश्चित तौर पर करना चाहिए। वहीं राहुदेव आपकी कुंडली के 3रे भाव में यात्राओं के भाव के अंदर बैठे हैं। कहते हैं 3रे 6ठे भाव के अंदर राहुदेव जो है वो अच्छे फल देते हैं, 3रे 6ठे और 11वें भाव में। तो यहाँ पर यात्राएं आपकी सुखद रहेंगी, साथ ही साथ आपका सोशल मीडिया का जो सर्कल है वो बनता हुआ दिखाई देगा। आप लोग सामाजिक दायरे को बढ़ाते हुए दिखाई देंगे, लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे और कोशिश कीजिएगा कि इस टाइम पीरियड में आप नए कनेक्शन जनरेट करें और यहां पर मिलने वाले लोगों के साथ में रिश्ते आप खराब ना करें। लेकिन ध्यान रखिएगा कि यहां पर सोसाइटी भी आपको वही चूज करनी है। हो सकता है कुछ ऐसे नेगेटिव लोग भी आपको मिले जो आपको दूसरी तरफ डाइवर्ट करें, नेगेटिविटी वाली चीजों की तरफ लेकर जाएं। तो आपके हाथ में है कि आपने अपने सर्कल को कैसा बनाना है और कैसा आपको चूज करना है। उसके बाद में बता देते हैं कि आपको और क्या क्या उपाय करने चाहिए। साल 2024 में जितना अधिक हो सके उतना आपको पानी का दान अवश्य करना चाहिए। दूसरी चीज, आप लोगों के लिए ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप बहुत ही बेस्ट रहेगा। आप लोग नीलम या नीली भी धारण कर सकते हैं जिनका मकर लगन है, जिनकी कुंडली 10 नंबर से शुरू हो रही है। अब अगली बात करते हैं दोस्तों आप लोगों के बारे में कि अगर आपकी कुंडली में शनिदेव बहुत अच्छी परिस्थिति में नहीं है या फिर आपको लगता है कि शनिदेव के फल आपको अच्छे नहीं मिल रहे हैं, बार बार शनिदेव से जुड़ी हुई समस्याएं आ रही हैं, कौन कौन सी हो सकती है? जैसे आपकी लेबर आपको बार बार परेशान कर रही है, बार बार छोड़कर चली जाती है, या फिर अगर मैं कहूं आप पेट्रोलियम के बिजनेस में है, सिक्योरिटी के बिजनेस में है, किसी प्रकार के सर्विसेज प्रदान करते हैं और आपके कामकाज में अगर परेशानी आ रही है तो कर सकते हैं शनि का एक अचूक उपाय। शनिवार के दिन आप लोग शनि मंदिर में जाकर शनि देव के पीछे खड़े होकर, जी हाँ शनि देव के पीछे खड़े होकर आप लोगों को वहां पर तेल का दान अवश्य करना है। आपने शनि देव के सामने नहीं जाना है, ये तेल का दान जो होगा, जो तेल का स्नान होगा वो शनि देव के पीछे से होगा। ध्यान रखिएगा जब ये करेंगे आप शनि देव के सामने नहीं जाएंगे, साइड में रहेंगे या फिर आप शनि देव के पीछे रहेंगे। उसके अलावा आप इसको लगातार 5 या 7 शनिवार करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको जो शनि के प्रकोप से परेशानियां उठानी पड़ रही थी उनमें आपको और ज्यादा राहत मिलती हुई दिखाई देगी। साथ ही साथ शनि देव आपके कर्म फलदाता है तो आप लोगों को अच्छे कर्म करने चाहिए, जितना अधिक हो सके अपने माँ बाप की सेवा कीजिए और इस आने वाले वर्ष के अंदर जितना अधिक हो सके उतने परमार्थ के कार्य कीजिए। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आप व्यक्तिगत रूप से अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, घर या फैक्ट्री का वास्तु कराना चाहते हैं या फिर मुझसे टैरो कार्ड रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी, न्यूरोलॉजी सीखना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर मुझे संपर्क कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर से मुलाकात करती हूँ। तब तक के लिए जय माँ भगवती।